हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। सर आपकी गाड़ी पे इंश्योरेंस खत्म हो गया है सर? अरे लो, अभी हमारे ससुर जी इंश्योरेंस कराए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गाड़ी तुम्हारी है तो ससुर जी इंश्योरेंस क्यों कराएंगे? क्योंकि दहेज में मिली है इनको। अरे दुनिया देती है का, तुम्हारे बाप ने अनोखी दे दी हमको। अरे जैसी तुम्हारी घोड़े जैसी शक्ल है, तुम पे कोई ईंटे रख के ढोल, शुक्र करो हमारे बाप ने तुमको गाड़ी दे दी। अरे यार तुम इस जमाने में भी दहेज में गाड़ी ले रहे हो, कसम से शर्म आनी चाहिए यार तुमको। अरे वो तो हमारे ससुर जी ने हमको प्यार से गाड़ी दे दी यार। प्यार से दे दी? और जो तुम्हारी अम्मा हमारे आंगन में बैठ के छाती कूट रही थी कि बगैर गाड़ी के लौंडिया नहीं लेके जाएंगे, 85 साल की उम्र में बुढ़िया क्या लद्दाख की ट्रिप पे जाएगी गाड़ी से? देखिए सर, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ बिल्कुल भी। अजय पूरी तो भचड़ मचवाई दी तूने, आपका गला दबा बेगा हमारा। अजय इस मांगन वाले की मत सुनो तुम। सर मुझे ये बताओ कि इंश्योरेंस के फायदे क्या होते हैं? देखिए मैम, अगर आपकी गाड़ी का कभी बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी उसको ठीक कराने के लिए पैसा देती है। और अगर आदमी का भी लाइफ इंश्योरेंस करा दें तो क्या फायदा मिलेगा हमको? तो जिस आदमी का इंश्योरेंस करवा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को पैसा मिलेगा। अजय मम्मी पापा का गाड़ी का इंश्योरेंस करा के दोनों को आग दे देते हैं।